अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखना है, उसकी कुछ एजम्पशंस को देखेंगे और उसके कुछ बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल डी के जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डी जनरेट, अब उनको हमने डिस्कस करना है थोड़ा बहुत। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसकी सबलेटिंग को देखेंगे और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये डिफरेंट कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो आज सिर्फ हम अजम्पशंस को देखते हैं और डीजनरेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हल्का सा टच देंगे कि वो होते क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजम्पशंस को। तो CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सबसे पहले अजम्पशन क्या है कि इट अज्यूम दैट लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इंटरेक्शन टू बी प्योरली आयनिक, ठीक है जी। मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में जो इंटरेक्शन है, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है जी। और मोस्टली केसेस के अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, केटाइन होगा, मतलब पॉजिटिव आयन होगा, और जो दूसरा होगा मतलब लिगेंड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इट डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि हमने VBT के अंदर देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या कहा था कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम्स टू बी पॉइंट चार्जेस आर डाइपोल। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम्स जो है उनको हम क्या कह सकते हैं, वो पॉइंट चार्जेस हैं या डाइपोल्स हैं, ठीक है जी। डाइपोल्स कैसे बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है, ऐसे ही इस केस के अंदर होगा, क्योंकि अब हमें ऊपर क्या कहा है कि जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, प्योरली आयनिक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको हम डाइपोल्स भी कह सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि इट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को बताता है, ठीक है जी। मतलब डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सेम एनर्जी, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले, ठीक है जी। सेम एनर्जी, शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है लेकिन एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन मेन जो है वो क्या है कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एनर्जी अगर सेम होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, क्यों, क्योंकि हर जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको बताना चाहिए कितने आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 आ सकते हैं, ठीक है जी। तो एस की, एस सबशेल की अगर हम बात करें तो एस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एस सबशेल के अंदर 2, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा एस वाला ही, ठीक है जी। अब अगर हम पी की बात करते हैं तो पी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 2-2 के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजी। और आगे हम बात करें किसके, डी की। अब डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 10 आ सकते हैं, तो इसके अंदर जो ये जो सबशेल है डी, अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, ठीक है जी, 5 × 10, तो 2-2 के कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी जेड की 2 और डी एक्स की 2 माइनस वाई की 2। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 जो है वो क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो उसकी स्प्लिटिंग को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये जो डी जनरेट 5 ऑर्बिटल्स हैं ये 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं, एक की एनर्जी ज्यादा होती है और दूसरे की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो आगे जो हमने देखना है वो क्या है कि इट ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी क्या आती है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। और 5वां पॉइंट क्या है कि इट डज नॉट गिव इन्फो अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, VBT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी,
ठीक है जी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमने डिस्कस किए थे लिमिटेशन ऑफ इम्यूनिटी के अंदर, जिसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को सही तरीके से नहीं बता पाते, जैसे हमने DSP2 की बात की थी कि उसके अंदर SP3 होना चाहिए था लेकिन होती DSP2 है, प्लेनर हो जाती है SP3 की वजह से, तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली केसेस में बताई जाती है PBT के अंदर, लेकिन CFD के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब पहले ही बयान हो चुकी है तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले क्या है कि लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होना चाहिए, आयनिक, ना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम जो है वो क्या कह सकते हैं, उनको पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी कह सकते हैं, या डाइपोल यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल भी कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के जो 5d जनरेट ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो दो सेट्स के अंदर फिक्स हो जाते हैं, एक की ज्यादा एनर्जी एक की कम एनर्जी। अब वो मोस्टली जो केसेस है, मतलब ज्यादातर जो केसेस है उसके अंदर क्या होता है कि 3 और 2 का सेट बनता है, तो वो कैसे भी हो सकता है, मतलब 3 ऊपर और 2 नीचे भी हो सकते हैं और 2 ऊपर और 3 नीचे भी हो सकता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर अपोजिट केसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इट ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू देती है। और लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या है कि इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो हमने देखना है वो जो डी ऑर्बिटल्स थे हमारे पास उसकी सबलेटिंग कर रहा था, ये क्या कर रहा था, सबलेटिंग। अब सबलेटिंग का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। अब हमने सिर्फ पहले डी जनरेट ऑर्बिटल को देख लेते हैं आज, और कल हम सबलेटिंग की बात करेंगे। तो हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, dxy, dyz, dzx, dz की 2 और dx की 2 माइनस y की 2, ठीक है जी। अब आप ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट का मतलब क्या होता है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स है, तो उनको हम शो कैसे करवा सकते हैं। तो एक्स वाई जो डी एक्स वाई है उसको हमने कैसे शो करवाना है, 2 एक्सेस ले लेने हैं एक्स और वाई, और एक्स के दरमियान एक लोब लगानी है और दूसरी लोब जो है वो वाई के दरमियान, तो एक्स डी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई जेड को हम कैसे बनाएंगे, आपने y और z जो है जो हमारे पास शो होगा गिवन होगा उसी के मुताबिक हमने एक्सेस बनाने हैं, y और z वाले 2 एक्सेस बनाने हैं, और साथ में हमने क्या करना है y के दरमियान भी और z के दरमियान भी, दोनों के दरमियान क्या करना है लोब्स को बना देना है। अब आगे जो है डी जेड एक्स, जेड एक्स मतलब z और x वाला एक्सेस होना चाहिए और दोनों के दरमियान क्या बना देनी है लोब्स बना देनी है। और यहां पर जो है डी जेड की 2 के अंदर क्या करना है हमने Z के ऊपर, Z के जो एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या कर रहे हैं जो लोब बनानी है, और डी एक्स की 2 माइनस वाई की 2 के अंदर क्या कर रहे हैं X के ऊपर और Y के ऊपर दोनों के ऊपर क्या बनानी है हमने लोब बनानी है। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, अब यहां पर जो है ये लोब्स एक्सिस के दरमियान में मौजूद है, लोब्स बिटवीन एक्सिस, मतलब ये जो 3 है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसके दरमियान क्या है कि ये जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल की, ये क्या है, कहां है, एक्स और वाई, वाई और जेड, और जेड और एक्स के दरमियान में मौजूद है, मतलब एक्सिस पर मौजूद नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान कहां पर मौजूद है, एक्स और वाई, वाई और जेड, और जेड और एक्स। मुख्तसरन अगर मैं कहूं तो एक्सिस जो है हमारे पास, ये जो एक्सिस मौजूद है तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान ज्यादा है, ठीक है जी, मोस्टली है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ईजी की बात करें तो हमारे पास डी जेड की 2 और डी एक्स की 2 माइनस वाई की 2, अब इसके अंदर क्या है कि लोब्स जो है वो क्या है एक्सिस पर मौजूद है। एक्सिस पर मौजूद होने का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान वो कहां पर मौजूद है, लोब्स पर मौजूद है। क्लियर हो चुकी बात। तो मतलब लोब्स कहां पर मौजूद है, एक्सिस पर मौजूद है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है वो एक्सिस पर ज्यादा मौजूद है। क्लियर हो चुकी बात। यहां पर क्या है एक्सिस के दरमियान में जो T2G वाले है, टी से मुराद ट्रिपलेट होगा, ठीक है जी, 3 है। तो अब यहां पर जो ईजी है उसके अंदर क्या है कि लोब्स के, लोब्स जो है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर मौजूद है, एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ये एक्सिस के दरमियान और ये एक्सिस के ऊपर है।
क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर होता क्या है, सेपरेटिंग किस चीज की वजह से होती है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जब लिगेंड्स आते हैं, ये है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के, किसके हैं, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। अब सेंट्रल मेटल एटम तो है हमारे पास, अब दूर से क्या आना है, लिगेंड्स। अब लिगेंड के अंदर क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि इसके दो सेट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो सेट, और दो सेट यही बनेंगे, T2G और EG अलग अलग सेट बनेंगे, ये तीन अलग होंगे और ये तीन, ये दो अलग होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। वो डिपेंड करता है कि वो जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है, अगर वो मतलब बिटवीन एक्सिस वाले को ज्यादा रिपेल कर रहा है, रिपेल करने से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब वो एक्साइट हो जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। क्लियर हो रही बात। अगर वो क्या कर रहा है, लिगेंड लोब्स के मतलब जो एक्सिस के ऊपर मौजूद है उनको ज्यादा रिपेल कर रहा है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और ये क्या जो है एक्साइट होके ऊपर चले जाएंगे और ये तीनों क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ये सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम जो ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल है उसके अंदर इसको अच्छी तरीके से ब्रीफली तौर पर इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो T2G और EG जो सेपरेटिंग हो रही है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग कहते हैं इसको, तो ये किस तरह बन रही है और इसके फायदे और नुकसान क्या है, ठीक है। और आगे हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस को भी देखेंगे ताकि उनके वजह से मजीद एग्जांपल को सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। तो आज का यही टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।